यह मेरा अपना घर है, अपनी पृथ्वी, जहां किसी भी सफर से आकर मैं खुद को सुकून दे पाता हूं। भिंड में थोड़ा सा अपने को बचाए रखना चाहता हूं। बढ़ती हुई पाशविकता के समय में बचाना चाहता हूं अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत, कि जब हमारा दुश्मन बन गया मित्र हमसे बेइंतहा घृणा करने लगे तो हम इसे उसकी नादानी मानकर उसे प्यार करने का जज्बा जुटा सके। हमारी भूख बिल्कुल हमारी भूख है, हमारे प्यास के संकेत बिल्कुल अनूठे हैं, और इसके पहले कि देह की आखिरी कोशिका बगावत कर दे, मुझे वह सारा इंतजाम करना है जिससे मैं अगली भूख प्यास के लिए खुद को तैयार कर सकूं। चिर परिचित घर के अपने कोने अंतर से परिचित हूं, आंख मूंद कर आ जा सकता हूं कहीं भी इसमें, ताखे से उठा सकता हूं माचिस। हमारे संबंध कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें हर मुस्कान का राज हमें पता होता है, हर उदासी हमें उस तरफ ले जाती है जहां से दुनिया के गम को महसूस किया जा सकता है। यह हमारा पासवर्ड है जिससे मैं ही अकेला परिचित हूं इस दुनिया में। इसमें थोड़ा सा मेरा चेहरा है और थोड़ा सा मेरा मन। मैं नहीं चाहता कि बाजार इसमें सेंध लगा पाए कहीं, मैं नहीं चाहता कि क्रूरता हमारे रग रग में समा जाए, मैं नहीं चाहता कि अकेलापन इतना बढ़ जाए कि सुन ही ना सके हम खुद की आवाज तलक। इसमें कुछ पुरातन अक्षरों की खुशबू बची है, कुछ नव्यतम अंगों की आत्माएं हैं इसमें। जीवन के लिए जरूरी बन गए कुछ जोड़ घटाव इसमें अपने आप ही जुड़ गए हैं। कहीं कहीं इसमें मुस्कुराहटें हैं, कहीं कहीं अपनों के लिए रुदन, कहीं पलकों पर सजे हुए सपने जो आज भी जिंदा हैं आंखों में। यानी यह एक कोरस है जिसमें तमाम स्त्री पुरुष आवाजें अपने अस्तित्व के साथ शामिल हैं। इसमें पशुओं, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों की विविध वर्णी बोलियां हैं। इसमें तमाम देशों प्रदेशों की पहचान बन गई फूलों फलों पत्तियों का सत्य है। तमाम रिश्तों ने इन सबको इस तरह जोड़ रखा है कि दूसरे के लिए अबूझ पहली जैसा लगेगा। इसे हमने तमाम धूप ठंड और बारिश को झेल कर तैयार किया है। तमाम आफत विपत में भी बचा कर रखना चाहता हूं मैं इसे बीच की तरह। जमीन से कटे लोग नहीं पूछ पाएंगे हमारे इस पासवर्ड को, जैसे वे नहीं समझ पाए कभी हमारी भावनाओं को, जैसे वे नहीं समझ पाए कभी हमारी दिक्कतों को। तो जो जहां जिस जमीन जल या हवा का वास्तविक हकदार है, मैं रखता हूं उन सबको ससम्मान उनकी जगहों पर, और बंद पड़ा दरवाजा खुल जाता है सिमसिम की तरह। मैं फूल के पास जाता हूं उसके रंग बनकर, मैं फसल के पास जाता हूं उसका अनाज बनकर, बीज के पास जाता हूं उसका अंकुर बनकर। अगवानी करती है उषा अपने हर सुबह की पूरे उल्लास से, सांझ आज भी हर रोज अपनी रात के लिए रास्ता बुहारती है। इस घर में आज भी एक आंगन है जिसमें बचा हुआ है आसमान, और आसमान में बचे हुए हैं तारे जो धुंध की तासीर को धुंधला कर उतर आते हैं हमारी आंखों में, बस जाते हैं हमारे सपनों में। इस घर के दरवाजे आज भी एक रास्ते की तरफ खुलते हैं। मुझे पक्का भरोसा है वे नहीं कर पाएंगे मुखरित मेरी आवाज जैसी आवाज, वे नहीं तैयार कर पाएंगे लाख कोशिशों के बावजूद मेरे चेहरे जैसा चेहरा। इस तरह वे कभी नहीं बना पाएंगे बिल्कुल हमारे जैसा ही हमारा कोई पासवर्ड जो बिल्कुल हमारा अपना है, जिसकी भंगिमा बिल्कुल अपनी है, जिसका अंदाज बिल्कुल अलग है। तो जब तक बचा हुआ है आदमी के पास इंसानियत का पासवर्ड, तब तक इस सृष्टि के लिए भी कोई खतरा नहीं।
कोई नकलची इसकी अनुकृति नहीं बना सकता, क्योंकि इसके घुट्टे पर पड़े निशान सदियों तक चलते रहने के हैं, क्योंकि इसके हाथों में उभर आए ठेले परिश्रम की अनूठी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, इसकी नकल सहज ही संभव नहीं। अनुभव की नकल नहीं उतारी जा सकती कभी, इसके लिए समय के गली कूचों से गुजरना ही पड़ेगा हर किसी को। खतरे जैसा कोई खतरा ही नहीं हमारे पासवर्ड के लिए। जब तमाम चैनलों के सनसनीखेज अंदाज में लगातार मुनादी करते जा रहे हों कि खत्म हो जाएगी अपनी यह समूची धरती, खत्म हो जाएगा यह जीवन कल दोपहर को ठीक 12 बजे, तब भी नहीं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को धत्ता बताते हुए हम चलते रहेंगे नदियों की धाराओं के साथ साथ युगों युगों तक, विनाश के हैकरों को अंगूठा दिखाते हुए धरती जैसे खूबसूरत से अपने घर को किसी भी अनहोनी से बचाते हुए, मूसलाधार बारिश की टपकन मुसीबतों से बचने के लिए आसमान की खपरेल को छाते हुए, नरिया को बिल्कुल उसकी जगह पर जमाते हुए हम चलते रहेंगे जीवन के इस छोर से उस छोर तरक, क्योंकि उम्मीद हमारा पासवर्ड है।